नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 7 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 7 सितंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों इसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सबसे पहले दिवस के बारे में देखें हम तो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हमने मनाया था राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस, और 2 सितंबर को हमने मनाया था विश्व नारियल दिवस, और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है, और दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें 10 क्वेश्चन मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं और 5 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रहते हैं और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों। और इसका देखिए इस टाइप से रिजल्ट निकलता है। तो कल जो टेस्ट हुआ था 50वां टेस्ट हमारा, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो संदीप डांगी की आई है, सेकंड रैंक नैना पाठक की आई है और थर्ड रैंक कीर्ति की आई है। ठीक है, तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, किस जिले में 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयुष आपके द्वार राष्ट्रीय अभियान का आयोजन किया गया है? तो ये दमोह डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश के किस शहर की 2 चाट चौपाटियों को FSSAI, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया है। तो किस शहर की 2 चाट चौपाटियों, हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर शहर की 2 चाट चौपाटियों, इनका नाम क्या है? तो एक तो 56 दुकान है और एक सराफा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश में चिकित्सा के पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर NP मिश्रा का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? दोस्तों तो इनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। देखिए, इनको 1992 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन ने सर्वोच्च सम्मान डॉक्टर BC राय अवार्ड से भी अलंकृत किया था, और 1995 में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया ने गिफ्टेड टीचर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया था। और दोस्तों डॉक्टर मिश्रा ने कार्डियोलॉजी पर एक किताब भी लिखी थी, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रोग्रेस एंड कार्डियोलॉजी। ठीक है, प्रोग्रेस एंड कार्डियोलॉजी। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया था? यह हमारे उस टाइम के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस शहर के जाने माने लेखक पंकज सुबीर को मास्को में पुष्किन सम्मान 2017 से नवाजा जाएगा? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट के है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट के है। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट। और देखिए, पंकज सुबीर के अब तक 7 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास और संपादन की 4 पुस्तकें सहित 17 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, और ये कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। और 2009 में, ठीक है, याद रखिएगा, 2009 में इनको ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वागेश्वरी वनमाली कथा सम्मान, शैलेश मटियानी पुरस्कार, कमलेश्वर सम्मान आदि से भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, संचालक श्री धनराज एस, देखिए ये हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक है, और हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो ये है इंदर सिंह परमार। और बात करें हमारे उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो वो है मोहन यादव। ठीक है, तो देखिए धनराज एस ने राज्य शिक्षा केंद्र में किसके द्वारा लिखे गए गीत संग्रह अलविदा कोरोना का विमोचन किया है अभी हाल ही में? तो ये किसके द्वारा लिखी गई ये गीत संग्रह? सारिका घारू के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सारिका घारू। तो देखिए, संचालक श्री धनराज एस ने राज्य शिक्षा केंद्र में सुश्री सारिका घारू द्वारा लिखे गए गीत संग्रह अलविदा कोरोना का विमोचन किया है, और श्री धनराजू एस ने कहा है कि सारिका द्वारा लिखे गए गीत बच्चों को सावधानी के साथ स्कूल जाने के लिए धनात्मक वातावरण का निर्माण कर सकेंगे, और भारत सरकार से नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सुश्री सारिका घारू की कोविड जागरूकता गीतों की पुस्तिका अलविदा कोरोना में तरह गीतों को प्रकाशित किया गया है, और इन गीतों का गायन एवं संगीत भी सारिका ने ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रख्यात चित्रकार प्रोफेसर राजाराम के सम्मान में राजाराम रूपध्वनि कला दीर्घा का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। तो देखिए, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने
प्रख्यात चित्रकार प्रोफेसर राजाराम के सम्मान में राजाराम रूपध्वनि कला दीर्घ का भोपाल में उद्घाटन किया और प्रोफेसर राजाराम की याद में उनके विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई दीर्घा में प्रोफेसर राजाराम सहित उनके विद्यार्थियों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले की प्रोफेसर साक्षी भारद्वाज का नाम OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है साक्षी भारद्वाज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए राजधानी भोपाल में रहने वाली एक पर्यावरण प्रेमी युवती ने अपने घर को मिनी जंगल बनाया है और उन्होंने अपने आवास परिसर के 850 स्क्वायर फीट में 4000 से ज़्यादा प्रजाति के पेड़ पौधे लगाए हैं और प्रोफेसर साक्षी भारद्वाज जिनकी इस खूबी के चलते उनका नाम OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उनको ट्वीट करते हुए बधाई दी है। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर विभाग में सहायक व्याख्याता साक्षी भारद्वाज ने कहा है कि मेट्रो शहरों में प्लांट कम्युनिटी होती है, यहाँ भी प्लांट कम्युनिटी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपति का पदनाम कुलगुरु करने की घोषणा किसने की है? तो ये की हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये है मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है, शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, मंगू भाई पटेल हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है और देखिए जितने भी विश्वविद्यालयों के जो कुलाधिपति होते हैं यानी चांसलर जो होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। ठीक है, और गिरीश गौतम हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष है। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपति का पदनाम बदलने की तैयारी हो गई है और सरकार कुलपति का पदनाम कुलगुरु करने जा रही है। ठीक है, और कुलपतियों से भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है, ये किसके द्वारा कहा गया है, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के द्वारा, और उन्होंने भी पदनाम कुलगुरु करने पर सहमति जताई है और इसके बाद सरकार ने भी पदनाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा और इस मसले पर कुलाधिपति यानी राज्यपाल, ठीक है, जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनके जो चांसलर होते हैं यानी कुलाधिपति होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, तो इनसे भी चर्चा की जाएगी। और मध्य प्रदेश में करीब 52 राज्य स्तरीय निजी और केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद राज्य स्तरीय और निजी विश्वविद्यालयों में कुलपति कुलगुरु कहलाए जाएंगे और देखिए जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यह लागू नहीं होगा, मतलब वहाँ पर कुलपति ही होगा यानी वाइस चांसलर होगा। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, ये MBPSC 2014 में पूछा भी जा चुका है, किस भारतीय पारंपरिक खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभात जोशी पुरस्कार दिया जाता है? तो किस पारंपरिक खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभात जोशी पुरस्कार दिया जाता है, ये मलखम्ब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मलखम्ब। और दोस्तों बात करें मलखम्ब की, तो मलखम्ब देखिए हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है। इसे राजकीय खेल का दर्जा कब दिया गया था, तो ये 9 अप्रैल 2013 को। ठीक है, तो याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, देखिए 9 अप्रैल 2013 को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब घोषित किया गया था, फिर उसके बाद 12 अप्रैल 2013 से ही जो मिशन ओलंपिक 2020 योजना की शुरुआत की गई थी हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद बात करें हम प्रभात जोशी खेल पुरस्कार की, तो देखिए इसकी राशि पहले 1 लाख रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर डबल कर दिया गया यानी 2 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है और इसकी स्थापना 2013 में की गई थी और ये मलखम्ब के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, और वर्ष 2020 के स्वर्गीय प्रभात जोशी खेल पुरस्कार उज्जैन की मलखम्ब खिलाड़ी सुश्री वैष्णवी कहार को दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सुश्री वैष्णवी कहार को दिया जाएगा 2020 का स्वर्गीय प्रभात जोशी खेल पुरस्कार। और दोस्तों मध्य प्रदेश में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो वो है विक्रम पुरस्कार। इसकी पुरस्कार राशि कितनी है, तो 2 लाख रुपए है, पहले 1 लाख रुपए थी, इसको बढ़ाकर अभी 2 लाख रुपए कर दी गया है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। और देखिए ये सीनियर खिलाड़ी यानी जो 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है और प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और दोस्तों इस वर्ष प्राची यादव का नाम याद रखिएगा, ये दिव्यांग खिलाड़ी है और इनको 2020 का विक्रम अवार्ड दिया गया है। वैसे तो 2020 का विक्रम अवार्ड 10 खिलाड़ियों को दिया जाएगा, जिसमें से जो विवेक सागर भी है हॉकी टीम के खिलाड़ी, इनका संबंध होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। और जो विश्वामित्र पुरस्कार है ये मध्य प्रदेश में कोचेज को दिया जाता है। ठीक है, इसकी पुरस्कार राशि भी 2 लाख रुपए है, पहले 1 लाख रुपए थी, इसको बढ़ाकर डबल कर दिया गया है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी। और देखिए ये उन प्रशिक्षकों यानी कोचेज को दिया जाता है जिन्होंने 5 वर्ष में कम से कम 2 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक हासिल करवाया हो।
तो इस वर्ष दोस्तों यानी 2020 का जो विश्वामित्र पुरस्कार है वो तीन कोचेस को दिया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, व्यक्तिगत खेल में श्री वीरेंद्र डबास को, ये पैरा स्विमिंग एवं पैरा एथलेटिक्स कोचेस है और इनका संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। एक श्री रिचपाल सिंह सलारिया को दिया गया है और ये तीरंदाजी के कोच है और किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो जबलपुर से। और दलील खेल के लिए दिया गया है डॉक्टर अबीब हसन को, तो याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, तो देखिए यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए कर दी गई है। पहले 50,000 रुपए थी और किसी भी संख्या के सेवानिवृत्त खिलाड़ी को ये दिया जाता है। और 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है श्री अभय छछलानी को, ठीक है। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये पूर्व अध्यक्ष है इंदौर टेबल टेनिस संघ के। और देखिए 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये श्री इनाम उर रहमान को दिया गया था और ये एक हॉकी खिलाड़ी थे, ठीक है। और 2020 का किसे दिया गया है? अभय छछलानी को दिया गया है। और बात करें एकलव्य पुरस्कार की, तो देखिए एकलव्य पुरस्कार 19 वर्ष से कम आयु के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को दिया जाता है। और जो 2020 का एकलव्य पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश के 13 खिलाड़ियों को दिया गया है। इसमें पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए कर दी गई है। पहले 50,000 रुपए थी, अब इसे डबल कर दिया गया है। इसकी स्थापना 1994 को हुई थी। और देखिए दोस्तों कल का जो आंसर है सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। और जो सबसे अच्छा आंसर किया था तानिया ने किया था और एक आरती ने किया था, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। तो देखिए इनके द्वारा बताया गया है कि प्रभात जोशी पुरस्कार मलखम खेल के लिए है। ये 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो मलखम एकेडमी है ये कहाँ पर है? तो ये उज्जैन में है, ठीक है। और मलखम हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है। देखिए मलखम को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी शामिल किया गया है, तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो पहला प्रभात जोशी पुरस्कार है वो किसे दिया गया था 2013 में? तो ये अजय वक्तरिया को दिया गया था। 2018 का चंद्रशेखर यादव को मिला था। और 2020 का दिया गया है वैष्णवी कार को। मलखम के तीन प्रकार होते हैं, फिक्स मलखम, हैंगिंग मलखम और सेफ मलखम। और जो सेफ मलखम होता है ये लड़कियों के लिए होता है। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन ये एमपीपीएससी 2019 में पूछा जा चुका है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? डॉक्टर बलराम झाकड़, श्री रामेश्वर ठाकुर, डॉक्टर भाई महावीर या न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह, ठीक है। तो देखिए राज्यपाल से क्वेश्चन आता ही है, एमपीपीएससी 2020 में भी एक राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।